वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट बी इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज हम लोग डे टू करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं 26 से। इसके पहले मैंने इसके पिछले वीडियो में कवर किया था, आज हम लोग करेंगे 26 से। 26 में है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस में होता है अबला नारी, अ हेल्पलेस वोमेन। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स में होता है अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स ऑब्लिक एन अननोन एंट्री, अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है अ डेड लेटर। डेड लेटर में होता है निष्प्रभावी नियम या कानून, अ लॉ और एग्रीमेंट डेट इज नो लॉन्गर इन्फॉर्म्ड और फॉलोड कम्प्लीटली, का मतलब होता है अ डेड लेटर। नेक्स्ट है अ डेड लॉस। अ डेड लॉस में होता है बेकार व्यक्ति, कम्प्लीटली यूजलेस। अगला है अ डायमंड इन रफ। अ डायमंड इन रफ में होता है कोरा हीरा या छिपे गुण वाला व्यक्ति को कहा जाता है डायमंड इन रफ। समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। अ डाइम अ डजन। डाइम अ डजन में होता है कौड़ी के भाव, बहुत सस्ता, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, एनीथिंग डेट इज कॉमन एंड ईजी टू गेट। डॉग्स ब्रेकफास्ट। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट में होता है अव्यवस्था, अ टोटल मेस। अ डॉग्स लाइफ में होता है दयनीय अस्तित्व, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग। अ ड्रॉप इन अ बकेट ऑब्लिक ओशियन का मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा या बहुत कम। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल ऑब्लिक अ क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट। अ ड्राई रन होता है पूर्वाभास। अ ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभास, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट ऑब्लिक एंड अ प्रैक्टिस सेशन। नेक्स्ट है अ फायर स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है प्रिय स्थिति एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगला है अ फायर इन समवन्स वैली में होता है जोश से भरा हुआ, जोशीला, वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड अनकम्फर्टेबल, अनफेमिलियर और अनसुटेबल पोजिशन और सिचुएशन ऑब्लिक अ पर्सन आउट ऑफ कस्टमेटेड। अगला है फ्लाई ऑन द बॉल में होता है चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। अ फ्लाइंग विजिट मीन्स होता है संक्षिप्त भेंट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। अ फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है हवाई महल या संभावित परेशानी नहीं जाने पर जो है खुशी की स्थिति। अ फूल्स पैराडाइज बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजन ऑब्लिक अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। अ जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स होता है बेरोजगार व्यक्ति, अ मैन विदाउट अ जॉब। अ गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू इंटरिम्स ऑब्लिक नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल। अ गुड समर्स्टेनियन मीन्स होता है मददगार व्यक्ति, अ हेल्पफुल पर्सन। अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन। अगला है अग्रे एरिया। अग्रे एरिया में होता है अस्पष्ट क्षेत्र या परिस्थिति, एन एरिया वेयर थिंग्स आरंट क्लियरली डिफाइंड ऑब्लिक एन अनक्लियर सिचुएशन। अ हेयर इन द बटर मीन्स होता है चुनौतीपूर्ण स्थिति, अ चैलेंजिंग सिचुएशन।
अहेयर से ब्रेथ मीन्स होता है बुरी बारीकी के साथ विवरण देना। टेलिंग अबाउट अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है अहेयर ब्रेथ स्कैप मीन्स होता है बाल बाल बचना, नैरो स्किप या नैरो मार्जिन। नेक्स्ट है अ हार्ड नेट टू क्रैक मीन्स होता है मुश्किल काम या लोहे के चने चमाना। डिफिकल्ट टास्क ऑब्लिक टॉर्च चैलेंज अ डिफिकल्ट पर्सन एंड अन इनफ्लेक्जिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्वीनियंस। तो मैंने इस वीडियो में 50 तक कंप्लीट किया हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे कंप्लीट करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।